Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. Don't ever save anything for a special occasion. Being alive is the special occasion. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Hi friends, hello, how are you? Well, okay, I am also very well. Let's start the class of the day. Friends, today it's an extra class, और आप सभी लोग जानते हैं कि extra class में ना तो हम पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर बताते हैं और ना तो कोई होम प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो हम आज एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे? हैज टू और हैव टू. जो भी आपके कन्फ्यूजन्स बाकी रह गए होंगे वो आज दूर हो जाएगा. हैज टू और हैव टू के स्टेप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी देर तक ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस तरह के सेंटेंसेस को हैज टू और हैव टू से बनाएंगे. कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे मुझे काम करना पड़ता है तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि पड़ता है मतलब पास्ट हो गया, या कोई कोई इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं. जैसे मुझे काम करना पड़ा तो पास्ट का सेंटेंस है, बट उनको पड़ा, पड़ता है, पड़ती है, पड़े, पड़ी, इसमें कन्फ्यूजन उनको हो जाता है और वो कन्फ्यूज होकर गलत सेंटेंस बना देते हैं. तो वही कन्फ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूँ. ठीक है फ्रेंड, तो हम एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सेंटेंसेस जानेंगे. ठीक है फ्रेंड, आइए. मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, हम सीधा सेंटेंसेस बनाते हैं. देखिए, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. उसे जाना है, उसे जाना था, उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना है. हम इस सेंटेंसेस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे जाना पड़ता है या उसे जाना होता है. ये तीन तरीके से बोले जा सकते हैं कि उसे जाना है, उसे जाना पड़ता है या उसे जाना होता है. ये तीन तरह के सेंटेंस है, बट तीनों को बनाने का नियम एक ही है, एक ही तरीके से बनेगा. ठीक है ना फ्रेंड, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना. जब भी है लास्ट में है तो समझना प्रेजेंट है. है का मतलब ही होता है प्रेजेंट. प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो उसमें लास्ट में है जरूर होगा. मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है. आप कभी कन्फ्यूज मत होना इसमें कि ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, कौन सा है. इसमें कन्फ्यूज मत होना. ये बिल्कुल सिंपल है कि जब सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के अंत में जब है, हूँ, हो आ रहा है तो समझ लो कि वो प्रेजेंट है. ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं. ये देखिए, मुझे उसे जाना है तो ही के साथ क्या लगता है, हैज टू गो. उसे जाना था, दिस इज द पास्ट. आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हैज और हैव से बनता है तो उसका पास्ट हम हैड से बनाते हैं. सिंपल है फ्रेंड, ये फॉर्मूला आप याद रखना कि जो भी सेंटेंस इज आर एम से बनते हैं उसका अगर पास्ट उसी सेंटेंस में अगर लास्ट में था थी हो तो उसको हम वाज वर से बनाएंगे. नीड से है तो नीडेड से बनाएंगे. अगर हैज हैव से बन रहा है तो उसको हम हैड से बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी फॉर्मूला है, आपको सिर्फ याद रखना है इसको. ठीक है फ्रेंड, आइए देखिए. ही हैड टू गो. तीसरा क्या है, ही विल हैव टू गो. सिंपल है, उसे जाना है, ही हैज टू गो. उसे जाना था, ही हैड टू गो. उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो. कितना सिंपल है. जब इसे प्रेजेंट में होगा, जाना है या जाना पड़ता है, जाना होता है, तो हैज और हैव टू लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से. फिर जाना था या जाना पड़ा या जाना पड़ता था, जाना होता था, इस तरह से रहे तो उसमें हैड टू लगाएंगे.
और जब जाना पड़ेगा पड़ेगी पड़ेंगे, जाना होगा होगी होंगे, अगर ऐसा रहेगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, फिर प्लस हैव टू। उसमें हैज़ कभी मत लगाना फ्रेंड, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फ्यूचर में कभी हैज़ नहीं आता, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जिसके साथ शैल लगता है उसमें शैल लगाना, और जिसके साथ विल लगता है उसमें विल लगाना, सिंपल है। अभी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब आप समझते ही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, बट हम इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लेंगे। मैंने जो आपका दूसरा फार्मूला बताया था आपको, सेकंड फार्मूला, उसके हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि वही फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल होता है बोलचाल में, ठीक है फ्रेंड। तो दूसरा फार्मूला क्या था, अभी हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, आपको सिंपल फार्मूला, हम जो सेकंड फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ही डजंट हैव टू गो, ही डजंट हैव टू गो, ठीक है फ्रेंड। सेकंड, ही डिडंट हैव टू गो। थर्ड फॉर्मूला, ही विल नॉट हैव टू गो, ठीक है फ्रेंड। आपको याद होगा कि जब मैंने ये स्टेप पढ़ाया था इस क्लास में, मिस हैज टू हैव टू वाले क्लास में, मैंने आपको बताया था कि इसके दो फार्मूले बनाने को होते हैं। फर्स्ट जो सिंपल फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और जो दूसरा फार्मूला उसमें डू डज लगाते हैं, और पास्ट में डिड लगाते हैं, ठीक फ्रेंड, और फ्यूचर में तो विल शैल लगाते ही है, उसमें कोई दूसरा नहीं है। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डज ही हैव टू गो। इंट्रोगेटिव में डज ही हैव टू गो, आपको पता होगा कि डज किसके साथ लगाते हैं और डू किसके साथ लगाते हैं, मैं काफ़ी पढ़ा चुका हूँ। तो इसका भी पास्ट, डिड ही हैव टू गो। इसका फ्यूचर, विल ही हैव टू गो, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, उसे क्यों जाना है, या उसे क्यों जाना पड़ता है, या उसे क्यों जाना होता है। तो व्हाई डज ही हैव टू गो, ठीक है फ्रेंड। आपको ये लेटर दिख रहा है ना, मैंने काफ़ी छोटे छोटे लिखे हैं ताकि सारे बोर्ड पे आ जाए, ठीक है फ्रेंड, दिख जाएगा मुझे लगता है। उसे क्यों जाना था, तो व्हाई डिड ही हैव टू गो, उसे क्यों जाना पड़ेगा, व्हाई विल ही हैव टू गो। ओके फ्रेंड, अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। इसका आप, ये टेबल है, आप इसको लिख लेना अच्छी तरह से, और इसे आप खुद आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। पहले प्रेजेंट में बनाइए, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू डू वर्क। मुझे काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू वर्क। मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू वर्क। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू डू वर्क। मुझे काम नहीं करना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू डू वर्क। मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, आई वॉन्ट आई शांट हैव टू डू वर्क, ठीक है फ्रेंड। इस तरह के फ्रेंड्स सेंटेंसेज अपने दिमाग में आप बनाते रहो और बोलते रहो, अंदर ही अंदर मीन्स मनी मन प्रैक्टिस करते रहो, रिविज़न होगा आपका, ठीक है। ये रिविज़न बहुत ही अच्छा वे है, आप कहीं भी जा रहे हो आप ये सब सोचते जाओ, कोई भी चीज़ें दिख रही है इधर उधर दिख रही है, उसको बोलो हाँ दैट इज़ कार, देर आर टू मैन एंड वन लेडी एंड सम वर टॉकिंग, मीन्स इस तरह से आप बोलते रहो, आप मीन्स मन में बोलते रहो, और कोई भी मिले जो जिसे हम, आप इंग्लिश थोड़ा बहुत भी बोल सकते हो, उससे बोलना शुरू कर दो,
बस बोला आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।